हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संध्या और आप सभी का स्वागत है संध्या एंड रसोई में। आप देख रहे हैं ये केले के छिकले हैं जो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। मैं बाहर गई थी तो मेरे गार्डन के सारे पेड़ सूख गए थे बिल्कुल, और मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ। तो मैंने कुछ इस तरह से इनके लिए तैयार किया है खाद। केले के रूप में ये छिकले होते हैं, ये बहुत ही अच्छा खाद होता है पेड़ों के लिए। तो मैं कुछ इस तरह से तैयार कर रही हूँ इसको। इन छिकलों को बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, सभी छिकलों को। जितने भी आपके घर में केले आते हैं, आप एक भी केले का छिकला मत फेंकिए, और कुछ इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके इसका बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होगा, जो कि आपके सूखे पेड़ को भी एकदम फूल और फलों से लद जाएंगे पेड़। तो मैंने इस तरह से सारे के सारे छिलकों को चॉप कर लिया बारीक बारीक। आप चाहें तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं इनको, थोड़ा थोड़ा क्रश कर लें आप तो और भी अच्छा है, लेकिन मैंने चॉप ही किया था। इन सारे छिकलों को चॉप करके एक पुराना सा कोई डिब्बा, बाल्टी, कुछ भी आप ढक्कन वाला ले सकते हैं और उसमें इसको डाल देंगे, और 8 से 10 दिन भी रख सकते हैं आप इसको। तो बहुत ही अच्छे से ये छिकल गल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार होता है। और आप चाहें तो 2-4 दिन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ के अंदर डालेंगे तो उधर भी ये पानी के कारण गल जाता है, और अच्छी सी इसकी एक खाद तैयार हो जाती है जो कि पेड़ों के लिए बहुत ही अच्छी है। कैल्शियम और सभी कुछ इससे मिलता है जो पेड़ों के लिए चाहिए। तो मेरे पेड़ बहुत सूख गए थे, तो इसलिए मैंने इस तरह से घर में ही फर्टिलाइज़र बनाया। और मैं अक्सर इसी तरह से किचन गार्डन के लिए, किचन की जो भी सब्जी फल के टुकड़े निकलते हैं, मैं उसी से फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ। तो मैंने आजमाया हुआ है इस तरह का फर्टिलाइज़र, और ये एकदम फ्री होता है, और बड़ी खुशी होती है कि हमारे पेड़ हमारी देखभाल में अच्छे हो जाते हैं। तो अगर हम बाज़ार की खाद लेते हैं तो वो ठीक नहीं रहती है इतनी। ये आप घर में ही बनाइए इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र, और भी अच्छा पेड़ों में काम करता है। तो आप एक बार इस तरह से डाल के देखिए, गुलाब के पौधे जो कि मेरे बिल्कुल सूख चुके थे, मैंने उसमें डाला तो मेरे गुलाब के पेड़ एकदम से हरे हो गए हैं। गुलाब के पौधे और अभी कुछ ही समय में इसमें बहुत ही फूल आएंगे। ये व्हाइट कलर का गुलाब है और ये पिंक कलर का गुलाब है। मैं थी नहीं 15 दिन के लिए, तो मेरे पेड़ बिल्कुल सूख गए थे। और ये सेवंती का पेड़ है, ये कुछ ही पेड़ बचे थे, बाकी तो सब सूख गए थे। तो इस तरह से मैंने सभी पेड़ों में डाल दिए। ये जायफल का पेड़ है, सभी पेड़ों में मैंने फर्टिलाइजर डाल दिया है, और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे पेड़। अगर आपको ये फर्टिलाइजर पसंद आए तो लाइक कीजिए।